रीवा जिले से हज पर गए हज यात्रियों की वापसी के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी, कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद नवाब सहित हज कमेटी के पदाधिकारी सहित हाजी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लिए हज यात्रा को इस्लाम धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है, इसलिए हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज की इच्छा रहती है। इस्लाम धर्म में पांच फर्ज में से एक खुदा के घर का दीदार करना यानी हज यात्रा करना भी माना गया है। हज यात्रा के लिए हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। इस बार रीवा से महिला पुरुष मिलाकर कुल 44 लोग हज पर गए थे। इन सभी हाजियों की हाल ही में वतन वापसी हुई है। हज यात्रियों की वापसी पर रविवार को रीवा को हज कमेटी रीवा द्वारा हज पर गए हाजियों के इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी, कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद नवाब सहित हज कमेटी के पदाधिकारियों ने हाजियों का स्वागत किया। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने जो आज इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा उसमें हमारे प्रदेश के राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी साहब और कटनी अल्पसंख्यक मोर्चे के जनाब नवाब साहब हम लोगों के बीच में आज मौजूद हुए, जिस कारण का हम लोगों के इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़ गई है। इस बार रीवा से 44 हाजी टोटल गए थे, जिसमें 36 हमारे हज कमेटी से थे और बाकी लोग प्राइवेट से गए थे। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और बहुत वो है कि इस बार हाजियों ने एक भी शिकायत नहीं की कि कहीं हमको, जबकि इस बार 52 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर था, इसके बावजूद सारे हाजी बहुत राजी खुशी बहुत अच्छे से अपने वतन वापस आए और हम लोगों ने आज उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा। रीवा से 44 हाजी साहिबान हज के मुकद्दस सफर पर गए हुए थे। अब उनकी उस मुकद्दस सफर से अपने मुल्क में वतन वापसी हुई है। इसके तहत हमारी जिला हज कमेटी रीवा हाजी इश्तियाक साहब ने उन सभी हाजी साहिबानों का इस्तकबाल करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है और उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया, तो मैं भी अपने हाजी साहिबानों के इस्तकबाल के लिए इस प्रोग्राम में उपस्थित हुआ हूँ। हज का जो सफर है वो मशक्कत का सफर है, दिक्कत का सफर है, उसी को हज कहते हैं। लेकिन हज कमेटी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हाजियों को हम अल्लाह का मेहमान मानते हैं, उस अल्लाह के मेहमान के लिए प्रदेश हज कमेटी पूरी शिद्दत के साथ उनकी खिदमत में लगी रहती है और हम अपनी तरफ से कोई कोताही बरतने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर थोड़ी बहुत उनको कोई दिक्कत हुई होगी तो निश्चित रूप से उन दिक्कतों को भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय हज कमेटी से भी हम बात करके उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे।